Give a big round of applause, everybody, for Universal Crown Director, Mrs. Vimla Sharma and Mr. Bhuvan Sharma. सर मेरे घर आए, उन्होंने मुझे वेस्टीज प्लेटफॉर्म के बारे में बताया। कुछ समझ में नहीं आया था, उनके कहने से मैंने फॉर्म भर दिया। मेरे हस्बैंड थे, मेरे हस्बैंड ने कहा कि कहाँ तू, इसको बार बार कभी कुछ फॉर्म ले आता है, क्योंकि पहले वाले कंपनी में भी हम साथ ही थे। और मुझे बहुत तलाश रहती थी कि कुछ करना है, क्योंकि हस्बैंड जॉब नहीं करते थे, मैं ही घर चलाती थी। बीसी सर बार बार मुझे कहते थे कि मीटिंग ट्रेनिंग में आना, और मेरे पास 36 बहाने होते थे। आज भी यहाँ बहुत सारे लोग होंगे जो बहाने करते हैं मीटिंग ट्रेनिंग में आने के लिए, और उसका खामियाजा हमें बहुत बाद तक भुगतना पड़ता है। ये हमें पता लगा बाद में, जब हम मीटिंग ट्रेनिंग में जाने लगे तो वहाँ देखा बहुत सारे लोग बहुत पढ़े लिखे भी नहीं हैं, और पढ़े लिखे भी हैं डॉक्टर इंजीनियर, वो बहुत सारी यहाँ से अच्छी इनकम ले रहे हैं। और वहीं से मुझे लगा कि करना चाहिए, धीरे धीरे मैं मीटिंग ट्रेनिंग का हिस्सा बनी और करने लगी। रोज़ अपने काम को, स्कूल जाने के बाद कभी किसी के घर, सबसे पहले अपने रिश्तेदार चुने, रिश्तेदारों के घर गई, उन्होंने कहा कि जो जॉब कर रही है ये भी जॉब ख़त्म हो जाएगा, कहाँ वेस्टीज के चक्कर में लगी है, ये नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ नहीं होता। सभी लीडर एक ही बात बोल रहे हैं, सबको यही लगता है, और हमें भी यही लगा, लोगों को भी यही लगता है। करते करते धीरे धीरे करने लगे, और आज यहाँ से जो इनकम है वो 6,70,000 हाईएस्ट इनकम हमारी यहाँ से है। बहुत सारे उतार चढ़ाव आए। 2015 में बेटे का एक्सीडेंट हो गया, कोई नहीं सुनता था, ना बहू ना बेटे। मैं लगी रही, मुझे लगा कि रोज़ एक गिलास पानी भी हम अगर एक पौधे में देंगे तो कभी ना कभी हमको बड़ा होकर के दिखाई देगी। मैं बस एक चीज़ बोलना चाहूँगा, लाइफ इज रेस, लोग दौड़ रहे हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो चूहों की रेस में दौड़ रहे हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो शेरों की रेस में दौड़ रहे हैं। अगर चूहों की रेस में दौड़ते हुए हार गए या जीत गए तो रहेंगे चूहे, जीत भी गए तो भी चूहे रहेंगे, लेकिन अगर शेरों की रेस में दौड़ते दौड़ते हार भी गए ना दोस्त, तो रहेंगे शेर ही। तो मैंने इस प्लेटफॉर्म को चुना क्योंकि मेरे को पता था ये शेरों की रेस है, अगर इसमें हार भी गया ना तो वैल्यू तो मेरी शेर वाली ही रहने वाली है, चूहा तो डेफिनेटली नहीं रहूंगा। सो 2012 में, जैसा कि आपको पता है, बिजनेस मिला। 2015 में मेरा एक्सीडेंट हुआ, 3 हड्डियां टूटी इस टांग की। उससे पहले मैं इस बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं था। आफ्टर दैट आई रियलाइज कि मुझे कुछ और करना चाहिए, और मैं जस्ट 20-25,000 रुपए की इनकम कमाने के लिए अपनी मदर को सपोर्ट करने इस बिजनेस में आया 2016 से। और वहां से एक कमिटमेंट किया कि वेस्टीज के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, इवेंट्स, इसको कभी भी मिस नहीं करना है। एंड थैंक्स टू माय ऑल डाउनलाइन, स्पेशली थैंक्स टू मिस्टर कुलदीप जी, मुकेश पाल जी, चौहान जी, पासवान जी एंड निखिल जी, शेखर जी, ऑल माय इनी जो जिम डाउनलाइन की वजह से मैं इस बिजनेस में टिका रहा। एंड थैंक्स टू माय ऑल अपलाइन, माय ऑल लीडर्स, जिनकी वजह से मैं आज यहाँ पे खड़ा होकर बोल पा रहा हूँ। सो ये सब कुछ पॉसिबल है। मेरी एजुकेशन ज़्यादा नहीं है, 10वीं तक पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन इस माहौल ने हमें, ये प्लेटफॉर्म मिलने के बाद इस माहौल ने हमें ग्रो किया, तो ये सब कुछ आपके लिए भी पॉसिबल है। अचीवमेंट की बात करूँ तो लगभग 2.25 करोड़ रुपये की इनकम पिछले लगभग 6.25 साल में इस बिजनेस से मेरे परिवार में आई। 2 गाड़ियां हैं, जिसमें से एक लग्जरी कार है ऑडी A4 लगभग 57 लाख रुपए की। इसके साथ साथ 5 फॉरेन ट्रिप्स हैं, जिसमें मेरी फैमिली भी इन्वॉल्व है, मेरा बेटा, मेरी मदर, मेरी वाइफ, एंड स्पेशली थैंक्स टू माय बेटर हाफ चित्रा शर्मा जी, जो आज इस हॉल में नहीं है, आज घर में बच्चों को टेक केयर कर रही हैं, लेकिन उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इस बिजनेस के अंदर, मेरे साथ इस बिजनेस में चलते हुए। तो थैंक्स कहना चाहूँगा, और एक बार चाहूँगा मेरी वाइफ के लिए जोरदार तालियां, आज इस हॉल में नहीं है। सो वंस अगेन, आप लोग नहीं होते तो शायद आज ना विमला शर्मा का कोई वजूद होता, ना भुवन शर्मा का कोई वजूद होता।